$2,000 मैंने कमा लिए सिर्फ 5 मिनट में AI टूल्स का इस्तेमाल करके। कैसे मैंने 2 घर 5 गाड़ियां और 50 करोड़ की सेविंग्स कर ली। पहले मैं गया AI टूल XYZ वाली वेबसाइट पर, उसके बाद मैंने कंटेंट को रीवर्ड किया और रीवर्ड करके मेरे पास पैसों की बरसात हो गई। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे और इस तरह के वीडियोस से मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों का मेहनत पे से भरोसा हटा देते हैं। आजकल का यूथ और आजकल के डेवलपर्स मेहनत के पीछे भागने की बजाय इस तरह की छोटी मोटी टेक्निक्स के पीछे भागते हैं कि यार कम से कम टाइम में वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ न्यू स्किल। तो सबसे पहले मैं बस्ट करना चाहूंगा इस मिथ को कि आप AI टूल से पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, अगर कमा सकते हैं तो कितना कमा सकते हैं, कब तक कमा सकते हैं। तो AI टूल से पैसे कमाना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। आप लोग इंडीड AI टूल की सहायता से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर बहुत सारा पैसा कोई सिर्फ AI टूल की सहायता से कमा रहा है तो वो किसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने Google+ ChatGPT के ऊपर वीडियो बनाई थी और कहा था आप ChatGPT से लिखा हुआ कॉन्टेंट गूगल पे सिंपली वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपली वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना है, वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के बाद आप लोग कंटेंट पटक देना है, आपको उसको इतने स्केल पे करना है और आपके पास बहुत सारे पैसे जनरेट हो जाएंगे। और ये टेक्निक इनिशियली बहुत काम भी करी थी और मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने इससे पैसे बनाए। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि AI टूल को यूज करना एक बात है, लेकिन AI टूल से पैसे कमाना, वो भी सिर्फ AI टूल से कॉपी पेस्ट करके, मेरे हिसाब से अगर आप कमा भी रहे हो ना तो बहुत शॉर्ट टर्म तक कमा सकते हो, लंबे अरसे तक आप लोग पैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और अगर बना भी पा रहे हो ना थोड़े बहुत टाइम तक, एक बार आर्बिट्राज खत्म हो गई तब आप क्या करोगे, ये कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा है क्या? मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर मान लीजिए जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो एक अपॉर्चुनिटी है, इसकी वजह से आप कमा रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और इसके बाद आप लोगों को पैसा कमाने में चैलेंजेस फेस होने लग जाएंगे, क्योंकि आप तो AI टूल से पैसे कमाते थे, अब वो AI टूल्स जो है या तो बंद हो गए हैं या लोगों ने उस चीज को इतना कर दिया है कि अब वो चीज सैचुरेट हो चुकी है। अब इस तरह के लोगों ने ये भी फैला दिया है कि यार AI टूल्स जो है वो जॉब को खा लेंगे और AI टूल्स की वजह से जॉब चली जाएगी। मैं भी कहता हूं AI टूल की वजह से जॉब चली जाएगी, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, लेवल अप करते हुए कर रहा है, एक्सपीरियंस के साथ चीजों को सीखता हुआ चल रहा है, उसकी जॉब आप नहीं खा सकते। अगर कोई इंसान का काम सिर्फ यही है कि पेपर में देखकर वो टाइप कर रहा है और टाइप करके अपनी जॉब से वापस आ जा रहा है तो हाँ बिल्कुल उसकी जॉब तो रिप्लेस होनी भी चाहिए यार। व्हाई शुड टेक्नोलॉजी नॉट ग्रो, आपका इंतजार थोड़ी ना करेगी टेक्नोलॉजी को, आप नहीं सीख रहे हो इसका दोष आप AI को थोड़ी दे सकते हो। अगर आपसे भी तेज AI सीख रहा है तो आपकी जॉब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो इवेंचुअली AI आपको बीट कर ही देगा। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया उपाय ये होने वाला है कि आप लोग क्रिएटिविटी लेकर आओ अपने अंदर, चीजों को ऐसे बनाओ जो कि AI नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं क्रिएटिव वेबसाइट्स की बात करूं, आज की तारीख में AI उतनी अच्छी वेबसाइट्स नहीं बना पाता। एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वेबसाइट या फिर कुछ भी ऐसी डिजाइनिंग जो कि ह्यूमन लगे वो AI नहीं बना सकता। अगर आप लोगों को ये डिटरमिन करना है कि पैसे कौन कमाएगा AI की सहायता से, तो एक सबसे बढ़िया फैक्टर जो कि आप कंसिडरेशन में ले सकते हो वो ये है कि क्या अगर आप जो आज कर रहे हो उसका 5 साल के बाद स्कोप है या 2 साल के बाद स्कोप है कि नहीं। अगर आप 2 साल के बाद भी वो करके पैसे कमा सकते हो तो हाँ वो एक पैसे कमाने का अच्छा तरीका मेरे हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें यहाँ पर कि यार कॉपी पेस्ट करो, ऐसे करो, इस AI टूल से ले जाकर इस तरह की ये बनाकर वीडियो बना के डाल दो या फिर कॉन्टेंट बना के डाल दो, बात यहाँ पर ये है कि आज आप कर पा रहे हो अकेले, कल 10 लोग और करेंगे इस चीज को, तो वो चीज सैचुरेट हो जाएगी बहुत ज्यादा। इन माई ओपिनियन AI की सहायता से सबसे ज्यादा पैसे और सबसे बढ़िया तरीका पैसे कमाने का लॉन्ग टर्म, जो कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, वो है मशीन लर्निंग को लर्न करना एज अ डेवलपर। अगर आप AI बनाना सीख गए आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि AI क्या कर सकता है ये हमको ChatGPT के बाद और इतने सारे AI टूल्स के आने के बाद सबको पता है। और अगर आप इस फील्ड में चले जाते हो, यानी कि आप डेटा का इस्तेमाल करके इनसाइट्स निकाल के ट्रेन कर सकते हो मॉडल्स, तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ऐसे में मैं कहूंगा आपको मशीन लर्निंग सीखनी चाहिए। आपको मशीन लर्निंग सीखने से पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन। आपने एक बार पाइथन सीख ली, उसके बाद आप पाइथन की लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करें और उसके बाद आप किसी भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं पाइथन में या लाइब्रेरी के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। और इसके लिए आप लोगों को सीखने पड़ेंगे बेसिक्स, और इसलिए मैंने पार्टनर किया इस वीडियो में यूडेमी के साथ। आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग के कुछ कोर्सेज मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मशीन लर्निंग के कुछ कोर्सेज कौन से हैं जो कि आप लोग यूडेमी से ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक कोर्स बना रखा है यूट्यूब पर मशीन लर्निंग का, जो कि काफी छोटा कोर्स है, उसमें मैंने कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में, उससे आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से उन वीडियोस में काफी मशीन लर्निंग का ज्ञान भरा हुआ है, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। बट मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन में लेकर चल के आपको
कोर्सेज दिखा देता हूँ। सो गाइस, जो पहला कोर्स मैं रेकमेंड करने वाला हूँ यूडेमी का यहाँ पर, वो है कंप्लीट मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बूटकैंप 2023। इस कोर्स की सबसे खास बात ये है कि ये एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को टच करता है और उसी के साथ साथ टेंसरफ्लो को बहुत अच्छी तरह से बताता है। इस कोर्स में टेंसरफ्लो इंक्लूडेड है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करके किस तरह से आप लोग मॉडल्स वगैरह ट्रेन कर सकते हैं, इस कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से इस कोर्स का प्लस पॉइंट है। बट अगर आप लोग टोटली बिगिनर हैं तो मैं आप लोगों को ये वाला कोर्स सजेस्ट करूंगा, दूसरा वाला जो कोर्स होने वाला है डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स में क्या है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइब्रेरी सिखाई गई है। पहले पाइथन का आपको रिफ्रेशर दिया गया है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नमपाई दिया हुआ है, किस तरह से यूज़ करते हैं इसके बारे में बताया हुआ है, पैंडास, फिर मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। लाइब्रेरी बाय लाइब्रेरी आप लोग सीखोगे तो आप लोग को एक बहुत ही ब्रॉड नॉलेज आएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज सीखने को मिले, कैसे यूज़ करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। प्लस पाइथन क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने ये कोर्स लिया हुआ है एंड ही गेव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि वो एक बिगिनर है, उसने पाइथन मेरे 15 आवर्स वाले वीडियो से सीखा था और उसके बाद उसने बताया कि क्रैश कोर्स उसे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, फिर ये सारी जो लाइब्रेरीज थी वो बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाया। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही कोर्स है अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो जेन AI वगैरह पे जाना और आप चाहते हो मॉडर्न ओपन AI की API वगैरह किस तरह से इस्तेमाल करनी है, इन सब चीज़ों को टच करना चाहते हो, तो ये कोर्स भी काफ़ी बढ़िया है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस एंड जेन AI विद पाइथन। थोड़ा मॉडर्न कोर्स है तो आप लोगों को ओपन AI की APIs और इन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया जाता है। तो मैं तो कहूँगा आप कोर्स कंटेंट देखो, आप क्या काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, या फिर आप लोग अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इन सब कोर्सेज को करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसके बाद एक कोर्स है जो कि मैं सबको सजेस्ट करूंगा और यह है ChatGPT कंप्लीट गाइड लर्न मिड जर्नी ChatGPT 4 एंड मोर। ये कोर्स इतना बढ़िया है कि आप लोग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, किस तरह से गूगल बार्ड और ChatGPT यूज़ करना है, कब गूगल बार्ड यूज़ करना है, कब ChatGPT यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आप लोग को बताता है। बहुत सारे AI टूल्स इसमें कवर किए हुए हैं, काफ़ी लंबा तो है ये कोर्स, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार आपने कोर्स कर लिया तो आपका जो AI गेम है वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो यार ये तो मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को भी जो कोडिंग नहीं करते हैं, बट एज्यूमिंग कि आप लोग कोडिंग करते हैं, आप उसके बाद भी इसको लें, बहुत बढ़िया कोर्स है यार ये। और इसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोर्स LangChain पर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग LLM पावर्ड ऐप्स बनाना चाहते हो L2 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स की सहायता से, या फिर अगर आप OpenAI का ही इस्तेमाल करना चाहते हो, उनके मॉडल से किस तरह से LangChain को इस्तेमाल करना है ये सीखना चाहते हो डिटेल में, तो ये कोर्स आप लोग के लिए। मैंने एक LangChain का क्रैश कोर्स तो बनाया हुआ है, तो एक आपको अच्छा आइडिया दे देगा कि LangChain क्या होता है और क्यों आप लोग उसको इस्तेमाल करना चाहोगे। बट दिस कोर्स गोज इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, क्यों LangChain यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं LangChain की, पूरी थ्योरी से लेकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की थ्योरी तक सब कुछ बताया हुआ है इसमें। सो आई होप कि आप लोग को ये यूज़फुल लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में ये सारे जो कोर्सेज हैं इनके लिंक मैं डाल दूंगा और आशा करूंगा कि ये पिक्स आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। सो ये थे कुछ कोर्सेज Udemy से जो कि आप लोग ले सकते हो, आई होप कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। और मैं आप लोगों को दावा दे सकता हूं कि अगर आज की तारीख में आपने मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट कर दी, एक साल के बाद जो आपकी नॉलेज होगी उसके बाद आपकी जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, आप लोग कुछ नहीं तो अपने आप चीजें कर पाओगे। और एक बार अगर आप AI ट्रेन करना सीख गया, आप लोग को पता है कि क्या चीज किस तरह से हो रही है, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है मार्केट में, क्योंकि इन सब चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। शायद AI टूल की सहायता से लोग इतने पैसे आने वाले टाइम में नहीं कमाएंगे जितना AI टूल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि AI टूल लेकर आता है वैल्यू लोगों की जिंदगी में। और इस वैल्यू को लाने के लिए आप लोगों को एक बहुत अच्छे फाउंडेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मशीन लर्निंग का कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो बुक्स रेकमेंड करना चाहता हूँ। जो पहली बुक है उसका नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड TensorFlow, और एक और बुक है पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो आप पहले पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ो, थोड़ी डेटा साइंस सीखो, पाइथन सीखो, किस तरह से नमपाई पैंडास यूज करना है वो सीखो, उसके बाद आप लोग मशीन लर्निंग में स्विच कर सकते हो हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग वाली बुक से। ये दोनों ही बुक सीक्वेंस में आप लोग पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको साबित होंगी। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो इस बुक के बारे में, इसके प्रीव्यू के बारे में, अगर आपको वो प्रीव्यू कहीं दिख जाता है तब हाँ आप लोग इस बात को समझ पाओगे कि ये बुक कितनी हेल्पफुल है। मैंने जब पाइथन फॉर डेटा साइंस वाली बुक को पहली बार देखा था, मुझे देखते ही प्यार हो गया था इस बुक से, क्योंकि इसके अंदर चीजें इतनी अच्छे से सिस्टमैटिक लिखी हुई थी। मैं अपने आप से कह रहा था हाँ यार यही तो मैं सीखना चाहता हूँ, जो चीजें मैं चार अलग अलग जगह से सीख रहा था वो एक बुक में एक जगह पर लिखी हुई है और काफी अच्छी लिखी हुई है। और ये बुक आप लोग खरीदते हो तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, आप लोग अपनी नियरेस्ट लोकल मार्केट या अमेजोन पे जाके इस बुक को खरीद सकते हो। दोनों बुक्स के लिंक भी दे दूंगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सर्च कर लेना नाम से। सो इस वीडियो को मैं यही कह के कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग आने वाले टाइम की एक बहुत
बहुत बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है। इस सेंस में नहीं कि आप एआई टूल से कंटेंट बनाकर पैसा कमा सकते हो या फिर आप एआई टूल से किसी दूसरे के कंटेंट को रीवर्ड करके डाल सकते हो या कुछ इस तरह के काम कर सकते हो, लेकिन इसलिए कि आप अपने आप को रेडी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर है मशीन लर्निंग की तरफ, फ्यूचर जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, और डेफिनेटली आप लोग अगर अपने आप को साबित कर पाते हो इस फील्ड में तो डेफिनेटली आपकी जगह जॉब मार्केट में रहेगी। और एआई अपने आप की कोडिंग करे और ये सब चीजें मुझे अगले 10 साल तक होती हुई नहीं दिख रही है। डेफिनेटली जितना भी एआई हमको इंप्रेस करता है वो डेटा को देखकर जो उसने सीखा उसकी वजह से करता है, और वो डेटा किसका होता है, वो हम सबका होता है, वो हमारा इंसानों का डेटा होता है। तो एआई सिर्फ वो काम कर पाता है जो उसने देखा। मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च कीनोट देख रहा था, उसमें कोई बोल रहा था कि चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक अ वेरी एडवांस सर्च इंजन जो कि बहुत जल्दी से बहुत सारे डेटा को देखकर उसमें से इंफॉर्मेशन को एक नए फॉर्म में पुल करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। एंड डेफिनेटली इट इज यूजफुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई बेकार है, एआई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एआई को अभी तक आप इंसान की तरह नहीं देख सकते, एक इंसान से तुलना उसकी नहीं कर सकते। आपको जिस चीज का एक्सपीरियंस है, आप जो चीज कर सकते हो वो एआई डेफिनेटली नहीं कर सकता। आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हो, लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग से कर सकते हो जो कि आज के टाइम में एआई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए मशीन लर्निंग की तरफ आप लोग डेफिनेटली जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी डेटा साइंस एमएल में इंटरेस्ट है तो आप लोग डेफिनेटली इसमें करियर बना सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।